हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का एक चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके सारे कीवर्ड को मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहला है वर्ड लाइट। लाइट को हिंदी में हम प्रकाश कहते हैं। लाइट इज एन एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक एनर्जी है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। पर कैसे करती है? जैसे मान लीजिए कहीं से लाइट निकली, फिर वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी और फिर वो टकरा के हमारी आंखों में आ गई, तो उसी चीज से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट ऐसे वर्क करती है। तो उसके बाद है ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं दीप्त ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सन, कोई जलता हुआ कैंडल या बल्ब, तो ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। और उसके बाद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। नॉन ल्यूमिनस एकदम अपोजिट है ल्यूमिनस का, तो जो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस करते वो नॉन ल्यूमिनस कहलाएंगे। और नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम्पल हो गए ब्रिक, स्टोन, और जैसे कि आपका कोई मेटल है आयरन, निकेल, ये सब आपके नॉन ल्यूमिनस हो गए। उसके बाद है ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ये तीनों ऑब्जेक्ट उस पर क्लासिफाई किए जाते हैं कि किससे कितनी लाइट निकलती है, मतलब किसी से पार हो जाती है, किसी से पार नहीं होती है, किसी से बहुत थोड़ी पार होती है। उस पर मतलब तीन वर्ड्स है, तीन मतलब टाइप के मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट इन तीन टाइप का होगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये सबसे पहला है आपका ओपेक। तो ओपेक को हम हिंदी में अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी स्टॉप लाइट कम्प्लीटली, वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को पार नहीं होने देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए स्टोन और वॉल, ये सब एग्जाम्पल हो गए, या आयरन, इनके मतलब लाइट पार नहीं होती है इनसे। इसीलिए जैसे कि अगर जैसे कि आप वॉल के सामने खड़े हैं तो उसके जो वॉल के पीछे जो चीज़ रखी है उसको आप नहीं देख पाएंगे। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का है मतलब पारदर्शी, हिंदी में पारदर्शी कहते हैं। ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट पास थ्रू इट, वी कैन सी क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास करने देते हैं आराम से, जिसमें लाइट पास हो जाती है। जैसे कि ग्लास एक ऑब्जेक्ट, ग्लास है, ग्लास से हम जैसे अगर हम इधर हैं तो हम उधर वाली चीज भी देख पाएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। और फिर अगला है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट को पारभासी कहते हैं। थ्रू दीज ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट सी बट नॉट वेरी क्लियरली, लाइट पासेज इन लेस अमाउंट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे मतलब थोड़ी सी लाइट जाती है पर थोड़ी सी नहीं जाती है उसको ट्रांसलूसेंट कहेंगे। और लाइट पासेज इन लेस अमाउंट, लाइट इससे बहुत कम उसमें अमाउंट में जाती है। और वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, हम इससे देख सकते हैं पर बहुत ही क्लियरली नहीं दे सकते। जैसे कि कोई पेपर है और उस पर अगर ऑयल लग जाता है तो आप उस साइड को देख पाओगे पर उतना क्लियर नहीं देख पाओगे, थोड़ा ब्लर, धुंधला धुंधला सा आप देख पाते हो, तो वही ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो एक लाइट की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। फिर अगला है शैडो। शैडो का मतलब है छाया। और लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड शैडो इज फॉर्म। जैसे कि ओपेक ऑब्जेक्ट को आ गया लाइट के सामने, तो क्या होता है जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे तो लाइट जा नहीं पाती है, तो वहाँ पे क्या होता है एक डार्क सा प्लेस बन जाता है, उसी को शैडो कहा जाता है।
और जो शेडो होता है वो हमेशा ब्लैक होता है। रिफ्लेक्शन परावर्तन, वेल लाइट रेज आर रिटर्न बैक अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब कोई भी जो लाइट रे वो किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा कर वापस से आ जाती है तो उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर है मिरर, अ लिक्विड सिल्वर और एल्यूमिनियम पेंटेड ग्लास शीट विच अदर साइड इज शाइनी एंड हैव स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट एंड क्रिएट इमेज। मिरर एक ग्लास का होता है, उसके पीछे हम वो लिक्विड सिल्वर को स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि वो लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने लगता है और इसी वजह से वो हमारा इमेज बना देता है, जैसे कि एक मिरर है। उसके बाद है पिन होल कैमरा, सिंपल कैमरा मेक्स इन्वर्टेड इमेज ऑन अ स्क्रीन यूजिंग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। पिन होल कैमरा एक सिंपल कैमरा है जो इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टा इमेज बनाता है और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट प्रॉपर्टी को यूज करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय एंड हैव अ नाइस डे।